नमस्कार, मैं हूं कविता राणा। पुणे पुलिस को मिली एक चिट्ठी से खुलासा हुआ कि माओवादी पीएम मोदी की मौत की साजिश रच रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हो गई। लेकिन अब जेएनयू के पूर्व उपाध्यक्ष यानी कि शहला राशिद का कहना है कि पीएम मोदी का दुश्मन या फिर उनकी जान का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि संघ और गडकरी है। देखिए ये रिपोर्ट। ये है जेएनयू के पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद, जिनके एक ट्वीट ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। कोरेगांव हिंसा की जांच में एक चिट्ठी मिली जिसमें पीएम मोदी को मारने की साजिश का खुलासा हुआ। बताया गया कि राजीव गांधी की तरह माओवादी अब पीएम मोदी को खत्म करना चाहते हैं, जिसके बाद पीएम मोदी की सुरक्षा पर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आई और सभी ने उनकी सुरक्षा की समीक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही। लेकिन इस बीच शहला राशिद ने अपने एक ट्वीट से देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और संघ पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ऐसा लगता है जैसे आरएसएस और गडकरी पीएम मोदी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। इसके बाद ठीकरा मुस्लिमों और कम्युनिस्टों पर फोड़ दिया जाएगा और इसके बाद वो मुस्लिमों को मारेंगे। जिस पर गडकरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा, मैं उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा जो बेतुके कमेंट कर रहे हैं, ये मुझ पर किए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश करने से जुड़े हैं। ऐसे में मामले को तूल पकड़ता देख शहला राशिद तुरंत अपनी बातों से पलट गई और अपने ट्वीट को मजाकिया अंदाज करार दिया और कहा, एक मजाकिया ट्वीट पर ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हरकत में आ गए। हालांकि शहला राशिद अपने बयान से तो पलट गई, लेकिन पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर इस तरह का मजाक करना कितना सही है, आपकी इस पर क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।